वेलकम टू लेसन नंबर वन। आपने जो एक कोर्स लिया है लैंडिंग पेज कोर्स, ये कोर्स आपको हेल्प करेगा लैंडिंग पेज बनाने में फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है जी। सो ये जो लेसन है, इस लेसन में हम बात करेंगे कि लैंडिंग पेज होता क्या है और लैंडिंग पेज और वेबसाइट में डिफरेंस क्या होती है, आपको लैंडिंग पेज की क्यों ज़रूरत है और क्यों आज के टाइम पे अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है तो आपको वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो लैंडिंग पेज से ही पूरा काम कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं लैंडिंग पेज होता क्या है। तो जैसे आप नाम से ही समझ सकते हो, लैंडिंग पेज, लैंडिंग, जहाँ यूज़र लैंड कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, लैंडिंग पेज, राइट। अब आप एक एग्जांपल से समझो, सपोज करो कि आपको आटा खरीदना है, ठीक है, आप एक दुकान पे गए और उस दुकान पे बहुत टाइप की चीज़ें हैं, आटा भी है 10 टाइप का और आटे के अलावा और 500 चीज़ें हैं, तो अब क्या हो जाओगे आप हो जाओगे कंफ्यूज। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो वहाँ पे तो आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या करना है नहीं करना है। और जब आप कंफ्यूज होते हो तो आप करते क्या हो, आप कोई एक्शन नहीं लेते, ठीक है, आप कोई एक्शन नहीं लेते। अब इस एग्जांपल को अप्लाई करो ऑनलाइन बिजनेस में, सपोज करो मेरी वेबसाइट है, आप मेरी वेबसाइट पे आए और जैसे ही आप आए आपको वहां पे बड़ी सारी चीजें दिख रही हैं, आपको ये समझ ही नहीं आ रहा कि आपको करना क्या है। जब आपको ये समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है तो आप हो सकता है कि क्या करो, आप कुछ ना करो और आप वेबसाइट छोड़ के चले जाओ। अब कोई भी यूज़र है उसको जब आप अपनी वेबसाइट पे लेके आते हो तो आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं, आपको एड रन करनी पड़ती है या आपको SEO करना पड़ता है, तो इसमें आपके पैसे लगते हैं। और जब आपके पैसे खर्च हो रहे हैं किसी यूज़र को लाने में, तो आप चाहोगे कि जो आपका डिज़ायर्ड गोल है वो गोल अचीव हो, राइट। तो लैंडिंग पेज का सबसे पहले तो आप समझो गोल क्या होता है। तो लैंडिंग पेज का गोल होता है एक एक्शन अचीव करवाना यूज़र से। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लीड जनरेट करना, उसके लिए मैंने लैंडिंग पेज बनाया, तो मेरा गोल क्या है, यूज़र इस लैंडिंग पेज पे आके मेरे फॉर्म को फिल करे और कुछ नहीं। सपोज करो मेरा गोल है सेल करना, तो मैं चाहता हूँ कि यूज़र मेरे पेज पे आए और प्रोडक्ट खरीदे और मैं कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहता, राइट। अब आप दो तीन एग्जांपल से समझो, जैसे ये हमारी वेबसाइट है थिंक एंड थ्राइव, जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आओगे तो आपके पास दो तीन ऑप्शन है, आप ये पढ़ सकते हो जो भी लिखा है मैंने, आप वीडियो देख सकते हो, आप ये बटन को क्लिक कर सकते हो, राइट। प्लस आप चाहो तो ये जो तीन मैंने और ऊपर नेविगेशन मेन्यू में बटन बनाए हुए हैं, आप ये बटन क्लिक करके आप उधर जा सकते हो, राइट। अब सपोज करो कि मेरा गोल है ज़्यादा से ज़्यादा लीड जनरेट करना और उसके लिए मैं ऐड रन कर रहा हूँ और आप इस वेबसाइट पर आ रहे हो, ठीक है, आप इस वेबसाइट पर आ रहे हो। अब आप जैसे इस वेबसाइट पर आए तो आपको पता ही नहीं कि करना क्या है, क्या आपको ये फॉर्म फिल करना है या आपको ये तीनों बटन क्लिक करके इन पे जाना है, आप कंफ्यूज हो सकते हो। हो सकता है कि आप इन बटन को क्लिक करके इधर चले जाओ और जैसे ही आप इधर चले जाओगे मेरा हो जाएगा लॉस। लॉस क्यों हो जाएगा, क्योंकि मेरा गोल क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म फिल करना और आपने फॉर्म फिल किया नहीं, आप चले गए दूसरी जगह, राइट। तो ये जो पेज है जिसमें नेविगेशन मेन्यू होता है इसको हम कहते हैं प्रॉपर वेबसाइट, नॉर्मल वेबसाइट। अब एक और चीज देखो, आप लोगों ने यहां से कोर्स खरीदा होगा, है ना, आपने यहां से कोर्स खरीदा होगा। अब देख इस पेज को देखते हैं, अब देखो, अब आप इस पेज पे आए, क्या आपको ऊपर कुछ नेविगेशन मेन्यू दिख रहा है, नहीं दिख, ठीक है। आप इस पेज पे आके एक ही काम कर सकते हो, या तो कोर्स खरीदो या कोर्स मत खरीदो, आपके पास और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। जबकि अगर मैं यहां देखूं तो आपके पास बड़े सारे डिस्ट्रैक्शन हैं, आप इन बटन्स को क्लिक करके कहीं भी जा सकते हो,
जबकि इस पेज पे ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो आप पहला डिफरेंस समझे लैंडिंग पेज में और नॉर्मल वेबसाइट में, क्या है वो डिफरेंस। तो जो नॉर्मल वेबसाइट है उस पे होता है नेविगेशन मेन्यू, और जो लैंडिंग पेज होता है उस पे कोई नेविगेशन मेन्यू नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? ताकि यूजर डिस्ट्रैक्ट ना हो और जो मेरा गोल है यूजर उसे एकम्प्लिश करे, उसे कंप्लीट करे। ठीक है, दूसरी चीज, जो लैंडिंग पेज होता है उसको आप ऐसे लिखते हो कि यूजर इन्फ्लुएंस हो जाए आपका कोर्स खरीदने के लिए। ठीक है, जबकि जो नॉर्मल वेबसाइट का होम पेज होता है उस पे आप काफी सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हो और बड़ी सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हो, जबकि जो नॉर्मल लैंडिंग पेज हम बनाते हैं उस लैंडिंग पेज का एक ही गोल होता है कि यूजर आके आपका प्रोडक्ट खरीदे। ठीक है, आप देख सकते हो इन दोनों पेजेस को, इसमें पूरा नेविगेशन मेन्यू, इसमें कोई नेविगेशन मेन्यू नहीं, और इस पूरे पेज का एक ही गोल है कि यूजर आपका प्रोडक्ट या जो भी आपका लीड है वो जनरेट हो, यूजर आपका फॉर्म फिल करे, राइट। तो ये आप डिफरेंस समझे लैंडिंग पेज में और नॉर्मल पेज में। हम और एग्जांपल भी देख लेते हैं। सपोज करो मैं सर्च मारता हूँ IIT कोचिंग। अब देखो ये वेबसाइट खुली, अब इस वेबसाइट को खोलो। अब मुझे आप बताओ कि क्या ये लैंडिंग पेज है या नॉर्मल वेबसाइट है? ये नॉर्मल वेबसाइट है, लैंडिंग पेज नहीं है। क्यों नहीं है लैंडिंग पेज? आप देख सकते हो पूरा नेविगेशन मेन्यू ऊपर बना हुआ है, ये इतने सारे बटन बने हुए हैं जिसे क्लिक करके यूजर डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, नीचे इतना सारा ये फुटर वगैरह बना हुआ है, मतलब ये लैंडिंग पेज नहीं है, ये है नॉर्मल वेबसाइट। ठीक है, और हमें कभी भी नॉर्मल वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं भेजना, हमें ट्रैफिक भेजना है हमेशा लैंडिंग पेज पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आकाश की देखते हैं वेबसाइट। अब देखो क्या ये वेबसाइट लैंडिंग पेज है या नॉर्मल वेबसाइट है? ध्यान से देखो जी, ये है लैंडिंग पेज। क्यों है लैंडिंग पेज? यहाँ कोई नेविगेशन मेन्यू नहीं है, कोई नीचे में फुटर वुटर नहीं है, प्लस इस पेज का एक ही गोल है, वो क्या है कि आप इसे सबमिट करो, अपनी डिटेल सबमिट करो इस स्कॉलरशिप के लिए। तो इस आकाश का, आकाश के पेज को हम लैंडिंग पेज बोल सकते हैं, इस पेज को हम लैंडिंग पेज नहीं बोल सकते। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर है लैंडिंग पेज में और नॉर्मल वेबसाइट, राइट। और आज के ज़माने में हम चाहें तो हमें वेबसाइट बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम नॉर्मल लैंडिंग पेज बना के भी काम कर सकते हैं। अब आओ एक इस पेज को भी खोल के देखते हैं, ये लैंडिंग पेज है, देखो ये भी क्या है, लैंडिंग पेज। क्यों? देखो कोई नेविगेशन मेन्यू नहीं है, कोई फुटर वगैरह नहीं है, इस पूरे पेज का एक ही गोल है कि आप अपनी डिटेल्स यहाँ पे सबमिट करो, और कोई गोल नहीं है इस पूरे पेज का, राइट। तो हमने तीन चार एग्जांपल से समझा लैंडिंग पेज और नॉर्मल वेबसाइट में डिफरेंस। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर है। अगला जो लेसन होगा उसमें हम और जानेंगे लैंडिंग पेज के बारे में, प्लस हम सीखेंगे कि लैंडिंग पेजेस कैसे कैसे बनते हैं, क्या क्या तरीके हैं लैंडिंग पेजेस बनाने के, कितने टाइप के लैंडिंग पेजेस होते हैं। ठीक है जी, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।